नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, चाहे उसकी उम्र 30, 35 या 40 ही क्यों ना हो। यह 5 दिन का इतना प्रभावी प्रयोग है कि इसको करते ही तुरंत रिश्ते आना शुरू हो जाएगा। यह प्रयोग बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। चाहे कुंडली में कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना बनी हो, चाहे शादी ना होने का कुंडली में कितना भी योग क्यों ना बना हो, जो 5 दिन का प्रयोग मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अगर आप यह करके देखेंगे तो तुरंत ही रिश्ते आने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से यह प्रयोग शुरू करना है, यानी कि पूर्णिमा के पहले के आप 5 दिन काउंट कर ले। दोस्तों अब मैं बताता हूँ जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको क्या करना है। सबसे पहले लड़कों के लिए बता देता हूँ, आपको सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र पहन करके आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। गुड़ चने का भोग लगा दीजिए और एक घी का दिया जलाकर 3 बजरंग बाण के पाठ एकादशी से शुरू करके 5 दिन पूर्णिमा तक नियमित रूप से करना है। और हनुमान जी के चरणों में बैठकर अपनी मनोकामना की प्रार्थना कीजिए कि मेरी कुंडली में शनि राव के किसी भी प्रकार का अगर अशुभ दोष बना हुआ है जिससे कि मेरी विवाह नहीं हो पा रही है तो वह दूर करे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़कियों को क्या करना चाहिए। लड़कियों को एकादशी से एक दिन पहले केले के पौधे की जड़ निकाल लेना है। फिर एकादशी के दिन सुबह ही उसे गंगा जल से धो करके और उस पर पीला चंदन लगा करके आपको मनोकामना करना है। आपको मनोकामना करते हुए कहना है कि मेरे विवाह में जो भी बहुत देरी हो रही है जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। भगवान देवगुरु बृहस्पति को ध्यान करते हुए उस जड़ को पीले कपड़े से बांध करके अपनी बाएं भुजा में उसे बांध लीजिए। फिर उस जड़ को बंधे हुए ही रहने देना है और फिर अगले महीने के शुक्ल पक्ष में जब एकादशी आएगी, यानी कि पूर्णिमा से 5 दिन पहले वाली जो एकादशी आएगी, उस दिन उस जड़ को खोल करके आपको दूसरी जड़ बांध लेना है। और ध्यान रहे, जो जड़ आप निकाल कर रखेंगे उसे आप मंदिर में रख दीजिएगा। यह प्रयोग आपको 3 शुक्ल पक्ष लगातार करनी है, यानी कि 3 महीने पूर्णिमा के पहले के 5 दिन आपको लगातार करनी है। इस प्रयोग का सीधा असर आपके राहु, केतु, शनि के ताप को शांत करेगा और शांत होते ही तुरंत आपकी शादी का रिश्ता आने लगेगा। शादी की जो रुकावटें और बाधाएं हैं वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह उपाय अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।